पहले बात तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार कभी इसके सूत्रधार थे नहीं, ये तो अपने से आप लोग कुछ बिहार के पत्रकार और जदयू के कुछ बड़बोले नेता अपने आप को संयोजक सूत्रधार पता नहीं प्रधानमंत्री का फेस क्या क्या बता रहे। आप मेरे वक्तव्यों को पिछले एक साल से सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बात इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है, जिस तरह के उसमें प्रयास हुए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उससे उनको कोई बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना कोई पब्लिक से कॉन्टैक्ट है, ना जमीन पर कोई काम हो रहा है, ना कोई उनके लिए नया प्रयास हो रहा है, ना आपस में उनकी सामंजस्यता है, ना कोई चेहरा ना कार्यक्रम, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, अगर जो भी उनकी ताकत है इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार का क्या था भाई? पटना में एक बैठक होने से आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है, नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजिशनिंग है नहीं, हर छह महीना पे पलटते हैं, पूरे देश में इनका नाम है पलटूराम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है, किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा, पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया, फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा।